हमारी सैलरी कम आ रही है। अगले हफ्ते दिवाली के बोनस के साथ साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिवाली में चार मोतीचूर के लड्डू नहीं मिलने वाले हैं। तू यहाँ बोनस के ख्वाब देख रही है। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे क्रू के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 9,85,00,000 का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 30,25,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 44,53,00,000 कर अपने दूसरे वीकेंड में 14,38,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं फिल्म ने अपने 11वें दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 1,72,00,000 का कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 60,63,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 72,40,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज लगभग 36,30,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 108,70,00,000 हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 12वें दिन में इंडिया में लगभग 1,60,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 37 करोड़ है। अब तक के कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई है। अभी ईद के चलते इस फिल्म के कलेक्शन और भी अच्छे खासे आने वाले हैं, यानी इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट सुपर हिट भी रह सकता है। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी है, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।